यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई भुईगांव समुद्र में प्रशासन की नींद उड़ाने वाली संदिग्ध बोट निकली उत्तन के मछुआरे की। कल दिन भर में 26 घंटे से अधिक समय से सुरक्षा यंत्रणा की नींद उड़ाने वाली संदिग्ध बोट के मालिक का आखिरकार पता चलने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, कल वसई के भुईगांव बीच से कुछ दूरी में एक अनजान बोट संदिग्ध परिस्थिति में दिखाई दी थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन उक्त बोट किसकी है, कैसे आई है, क्यों आई है, इन सभी पहलुओं पर गहनता से छानबीन कर रहा था। ज्ञात हो, पूर्व में मुंबई ताज होटल हमले के समय आतंकी समुद्र के रास्ते ही मुंबई में घुसे थे, जिसके बाद से समुद्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और किसी भी अनजान एवं संदिग्ध बोट की बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है। कल भुईगांव समुद्र में दिखाई देने वाली बोट की जानकारी निकालने स्थानीय प्रशासन ने लगातार बोट पर नज़र बनाए रखी। बोट पर पैनी नज़र रखने हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया गया। मुस्तैद स्थानीय प्रशासन की जांच में बोट भाईंदर अंतर्गत उत्तन के एक मछुआरे की निकली, जो कि एंकर के टूट जाने से पानी में बह गई थी और बहते हुए भुईगांव के खड़कीले इलाके में फंस कर रुक गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोट में कार्यरत एक कर्मचारी भी बोट में ही अटक गया, जिसको प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया। पिछले 26 घंटों से वसे पश्चिम के भुईगांव समुद्र में इसी तरह पुलिस का जमावड़ा बना हुआ है। पहले बोट कैसे रुकी, इस पर सबकी नज़र थी। कोस्ट गार्ड, पुलिस और स्थानिक मछुआरे के पहल से पता चला कि बोट का एक एंकर टूट गया। बोट पानी के बहाव में बहकर यहां तक आ गई। बाद में कोस्ट गार्ड से पता चला कि एक खलासी बोट पर है। इसके बाद सभी सुरक्षा यंत्रणा ने राहत की सांस ली। अब सभी की नज़र बचाव कार्य पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। अटकी हुई थी कल से और उसका पूरा तपास चालू था, क्या करते थे? कल सुबह 7 बजे के आसपास उत्तन समुद्र किनारे से वो उसका जो नांगर ये डाला था, उसका रस्सी टूट के वो इधर भुईगांव समुद्र किनारे में आए, तो तुरंत पुलिस को खबर मिला, तो हम कल से उसको इधर वाच कर रहे हैं। अभी क्या पता चला है सर, किसकी बोट है, कैसे आई है यहाँ पे? उसका अभी जो ओनर है उसको हम कांटेक्ट किया है, उसका नाम है राफ्टर खान के करके, वो भी उधर पहुँच रहे हो, तो पुलिस और कोस्टल गार्ड और स्थानिक मछुआर के ज्वाइंट ऑपरेशन करके हम उसको बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बोट के अंदर कोई था ऐसा कुछ पता चला है? हाँ, ये बोट के अंदर उसका जो कर्मचारी है रफिक से करके वो अंदर है, ये भी पता चला है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।